ये आप देख रहे हो मोटरसाइकिल लियारी से इन्होंने मंगवाई थी। वो क्या है पूरा गाना, झमका गिरा रेत के मैदान में। लेकिन हाँ सही है, चले आप प्रमोशन करें, मैं नहीं करूँगा फिलहाल। पिछले साल जिस जगह पे आपको मेला दिखाया था वो मेला वहाँ नहीं हो रहा और अब किसी और जगह पे हो रहा है, तो कोशिश करूँगा यहाँ का माहौल दिखा दूँगा। और अभी स्टॉल वगैरह लगना शुरू हो चुके हैं, थोड़ी देर के बाद जो है ना माहौल गर्म होगा। ये आप देख रहे हो मोटरसाइकिल लियारी से इन्होंने मंगवाई थी, 1976 का मॉडल है और इसके साथ ये अभी इधर इन्होंने रखी है दिखाने के लिए, लियारी से अमेरिका तक। और उस वक्त जो है ना इस तरह से पेंटिंग होती थी। यहाँ आप देखो स्टॉल लगा चुके हैं भाई, चूड़ियाँ गहने वगैरह सब कुछ है, तो जो जो ईद में चीज़ें चाहिए होती हैं ना वो सब यहाँ लगी हैं। तो अभी रश बढ़ना शुरू हुआ है, पहले इतनी रश नहीं थी, ज़ाहिर है हम सबसे पहले आए थे तो उस वक्त इतना नहीं था। अब हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, यहाँ कपड़े वगैरह जो है ना सेल हो रहे हैं, ईद की ख़रीदारी हो रही है, ईद की ख़रीदारी। ईद में जो चीज़ें हैं ना वो हैं। और इधर आप देखें ये वही मॉडम है जो पहले भी स्टॉल इन्होंने स्टॉल लगाया था। हाँ तो आज कोई स्पेशल पैकेज है आपका? आज सब कुछ स्पेशल है, एवरीथिंग स्पेशल। अच्छा बोलते हैं ना बाय वन और गेट वन वाला तो नहीं है ना? बाय वन बाय टू बाय थ्री एंड गेट एवरीथिंग। देखिए भाई कितनी खूबसूरत जो है आपकी चूड़ियाँ और जेवरात सारे, तो इस तरह से जेवरात को पहनने वाले सारे। हाँ ये पहने हुए हैं, बस आप फेमस हो जाएंगे। अच्छा बताओ देखें भाई, अब हमें तो अच्छा लग रहा है, मैंने आपकी वीडियो बना ली, अब आप फेमस हो जाएंगे इंशाल्लाह। बस आप मेरी बरात हैं और अब देखें सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे मेरे। कितने बढ़ेंगे अंदाजा लगाएं? इंशाल्लाह फिर आपकी दावत रखूंगा। हाँ इधर ही भी पड़े ना तो पहले दावत कर लीजिएगा फिर बढ़ जाएंगे। हाँ इतना मैं भी घाटे का सौदा मैं भी नहीं करूँगा। चलो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? झुमका। झुमका, अच्छा झुमका गिरा रे बरेली के बाजार के मैदान में। क्रेव के मैदान, वो क्या है पूरा गाना, झुमका गिरा रेत के मैदान में। हाँ के मैदान। और यहाँ लेकिन हाँ सही है, चले आप प्रमोशन करें, मैं नहीं करूँगा फिलहाल। और परफ्यूम हमारे भाई स्पेशल आज फिर लगाया जबरदस्त। वाले सलाम भाई, आज बताएं मुझे के वैरायटी क्या है, थोड़ा ऊपर रखें इसको। हमारे पास जो वैरायटी है ज़्यादातर दुबई की है और यूएई की है। हम लोग दुबई से परफ्यूम मंगाते हैं जिसमें से हमारे पास डिफरेंट काइंड के ब्रांड्स हैं। इसका नाम है एम लाविश हाउस, तो हम लोगों को एक साल हो गया है और ज़्यादातर जो है मेजॉरिटी इनकी पसंद की खुशबू होती है और ये ऑर्डर करती है। तो क्या स्पेशल है इस खुशबू में? इस खुशबू में ये स्पेशल है कि ज़्यादातर हम जो है ना ऊद की स्पेशलिटी है, ऊद जो के लकड़ी होती है अगर ऊद कहते हैं उसको, और जो कि उसकी परफ्यूम्स है ज़्यादातर हमारे पास। अच्छा, जिसमें से अगर आप यूएई की हैं? जी यूएई की हैं सारी ना। ये हमारे पास लताफा का प्राइड भी आएगा, सो आप देख सकते हैं कि ये एक बॉटल जो है वो इस वक्त $150 की आएगी। स्मुगल फोर्ट, ये मुगल फोर्ट के ऊपर बनाई है ये खालिद, और दिस वन इज अल्दारा। तो ये तो इतना हैवी है जी, ये बहुत हैवी है और इसके नीचे भी सब इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। और ये बना हुआ भी देखो मेरे ख्याल में कोई एक तरीके से शील्ड बनी हुई है, आर्मर शील्ड है। तो चलें भाई अगर घर में लड़ाई में भी इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल सही बात। और ये स्टॉल भाई हमेशा लगाते हैं और इससे पहले मैंने मिस किया था इनका इवेंट एक। हाँ। तो आज आप देख रहे हैं कितनी प्राइस है कम से कम? हम लोगों की शुरू होती है $25 से लेके जो है 100 तक जाती है प्राइसेस ना परफ्यूम की। बाकी हमारे पास जो है अमेरिकन रोल ऑन्स भी होते हैं परफ्यूम्स के, अत्तर भी बेचते हैं जी, अत्तर भी है हमारे पास, तो सारी परफ्यूम्स हम बेचते हैं उसके। चलें सर आज मेले को आपने चांद चांद लगा दिए, चार चांद नहीं नहीं कोई बात। ओके तो यहाँ लियारी से इन्होंने जो है ना एक ये मोटरसाइकिल जो आप कह रहे हैं वेस्पा पुरानी वो लेके, और इसके साथ कुछ फैमिलीज आई हुई हैं पाकिस्तान से। और अच्छा इससे पहले नहीं आई है? नहीं। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा होगा अमेरिका में? नहीं, बहुत अच्छा है, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। आप भी पाकिस्तान से? पाकिस्तान से। कहाँ, कौन सा सिटी? कराची। कराची सेम? यस। ओके एंजॉय करें, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
और इधर हैं खिलौने, तो खिलौने अब दिखा के मैं क्या करूँगा, लेकिन यहाँ फिर दोबारा ये ज्वेलरी वगैरह है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा कारोबार है यहाँ। तो जो बड़े बड़े हमारे स्टोर्स हैं, मॉल हैं, वहाँ भी इस तरह से होता है, लेकिन अब जो है ना यहाँ भी ये ट्रेंड बन चुका है कि चांद रात मेले, ईद मेले, उसमें लोग आके स्टॉल लगाते हैं, कुछ जगहों पे उनसे चार्जेस लिए जाते हैं, कुछ जगहों पे फ्री लगते हैं। तो अब मैदान सजना शुरू हो चुका है और इस मैदान में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, इंडिया से भी है। चले हम तो अभी भूखे हैं तो इसलिए स्पाइसी रेगुलर ये सारी चीज़ें ले रहे हैं, और यहाँ से लाइन लगा के बिल आखिर में देना है। ओके नथिंग इनफ नो नो चलें भाई खाना तो हमने ले लिया, इतनी सारी भूख लगी हुई थी। मीडियम मीडियम शर्ट प्लीज। यहाँ भाई देखो खाने के साथ शर्टें भी दे रहे हैं। थैंक यू। ओके तो शर्ट भी मिल गई अभी, लेकिन हम जायरों की पहनेंगे तो फिर सर्विस देनी पड़ेगी सबको कि खाना बांटना पड़ेगा। अब आप देखें चांद रात मेले में कितनी रौनक हो चुकी है, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, बच्चे बड़े जो है ना खुश हैं, बच्चों की तो ये मौजें हो गई हैं। चले मोटरसाइकिल की लाइटें ऑन करो भाई। हाँ लालो खैर खैर हाँ छोटी चले चले बस यही चल ना रियल में ना लंदी। यहाँ हैदराबाद की भी एक फैमिली है हमारी सिंध की, और भाई नाम अनवर ख्वाजा। अनवर ख्वाजा साहब इनके बेटे कहाँ हैं आपके? मैं कनाडा में, अवेश नाम है। अच्छा वो देखते रहते हैं? आपका बड़ा फैन है, आया था भी इधर और बड़ा शौक था आपसे मिलने का, लेकिन अफसोस वो उसके पास टाइम इतना था नहीं, एक वीक के अंदर वापस चला गया, आपको ढूंढ रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। आपसे मुलाकात हुई नहीं उसकी, आया था उधर उसमें अपने खलील भाई वाले ढाबे पे। ओके ओके। लेकिन आप निकल गए थे वहाँ से। भाई आपके वाले साहब स्पेशली आए हैं इधर और आपकी वालदा भी, तो इनकी वजह से आप देख लें कितने आपको याद कर रहे हैं। और अब भाई अवेद आपको चांडिया साहब को बता दिया आपकी, बोला भाई वो चांडिया साहब का फैन है और आप ये व्लॉग देखना और उसको लाइक करना और कमेंट्स में लिखना। थैंक यू वेरी मच। चले चले ये थैंक यू चांडिया साहब। इधर आया हूँ क्रेव कैफे और काफ़ी इधर चांद रात का बड़ा रौनक लगी है, बिल्कुल पाकिस्तान की याद आती है। और ये देखें यहाँ जो है ना कपड़े हैं पाकिस्तानी, आपको देसी ड्रेसेस मिलेंगी। वाले सलाम भाई, आपकी बहुत वीडियो में देखता हूँ। अरे भाई बड़ी बहुत ज़्यादा और आपकी मतलब हर एक वीडियो देखता हूँ मेरी वाइफ भी। अच्छा अच्छा अस्सलाम वालेकुम। मुझे नहीं 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 कोई मसला नहीं भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी। और कहाँ इधर ही रहते हैं? मैं तो नॉर्थ में रहता हूँ। वैसे कहाँ से? कराची से। कराची भाई तो कराची भरा हुआ है, कराची भरा हुआ है। हर भाई से कभी नहीं मिल पाता, जरा देखो। नहीं नहीं आपकी बहुत मेहरबानी, लेकिन कराची हर जगह पे कराची कराची है। और हमारी बन रही है तो हम भी बना लेते हैं। अच्छा कहाँ से? अरकनसास से। अरकनसास से आए हैं? बहुत लंबा ड्राइव है जी। हाँ बस। तो वहाँ किस जगह पे? अरकनसास में लिटल रॉक में। आप मैं लिटल रॉक नहीं आ सका, कैपिटल है ना उनका। लिटल रॉक कैपिटल है। जब नेक्स्ट टाइम आए तो आप चक्कर लगाएं। अब देखो भाई यहाँ कितना मिस कर रहे हैं हमारे देसी जो अरकनसास में रह रहे हैं, वो अरकनसास से कितना घंटे की करके 7 घंटे 8 घंटे थे, 8 घंटे की ड्राइव करके जहाँ मैं जाता हूँ ना ऑटो स्प्रिंग में, ये वहीं रहते हैं। अभी है मेरा टूर, मैं आऊँगा हॉट स्प्रिंग भी आऊँगा और आगे भी जाऊँगा। चले थे वहाँ से कहाँ से? कराची। कराची से जी जी। अच्छा चले थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू थैंक यू। ओके अल्लाह जी भाई। हाँ थैंक यू। आप बताओ तबीयत ठीक है? कैम शो ठीक है? मेरे फादर इन लॉ की वीडियोस बहुत देखते हैं, बट थैंक यू फॉर ऑल द हार्ड वर्क। थैंक यू सो मच भाई, फादर इन लॉ को सलाम कहिएगा। आप भी देखा करें। हाँ देखते हैं, एक्चुअली मैं इफ्तार के लिए जाता हूँ तो बहुत शौक से आपकी वीडियो, आई थिंक लास्ट आपकी वीडियो वो साइबर ट्रक की थी। हाँ 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 आज दो रखी थी वीडियोस जी। भाई क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, मेरा नाम हारिस है एंड आई एम हियर फ्रॉम पर्लैंड। मैं यहाँ तक आया हूँ
to meet Mr. Tiaz, to meet Mr. Junaid Akram, to meet Mr. Ali Shekhani. It's a very good gathering and it's very nice. Mujhe Pakistan ki yaad aa rahi hai, ghar ki yaad aa rahi hai. And assalamu alaikum to my father who watches Imtiaz Chandu's vlogs and is a big fan of his. And I'm pretty sure you'll be surprised seeing me right now on the TV or wherever you're watching. And to all the fans, to all the viewers, Eid Mubarak, Ramzan Mubarak. And so you're first time aaye hain idhar? First time aaye. Kaise lag raha hai? Sahi hai. Bahut acha lag raha hai. I'm here by myself, but mujhe bilkul gharwali feel aa rahi hai. And puri, you know, it's like a family, puri desi community all together. And yahan pe, you know, it's all the music and all the gathering. It's very, very nice. America ki aap nabi se iski bhi rakhi thi. हाँ बिल्कुल 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 नहीं नहीं आपकी बहुत मेहरबानी. आप वीडियो देखते हो तो भाई काम चलता है. तो अभी घूमने आई हैं सर? अच्छा आप तो मज़ा आ रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है. वो मेरी अम्मी इधर ना वो मस्जिद वाली है काफी, तो उनको कहीं बाहर जाना पसंद नहीं है. लेके आया हूँ आपकी अभी जो जर्सी चाहिए ना जो शहरी की वो मैंने देखी है. ओह बहुत मेहरबानी आपकी. अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा. तो अब मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है. वीडियोस के बाद वैसे भी फिर अपना माहौल मिल जाए तो ऐसा लगता है पाकिस्तान में है. बिल्कुल थोड़ा यहाँ ताजा है पाकिस्तान में. वालेकुम सलाम. क्या कहना चाहेंगे? ये इवेंट बहुत अच्छा है और आपका ब्लॉग हमेशा हर दिन देखता हूँ मैं जो भी आप पोस्ट करते हैं. और मैं आपको सब्सक्राइब भी हूँ. मेरे सारे कजिन भी आपको फॉलो करते हैं. एंड यू शो अ लॉट ऑफ ग्रेट स्टफ. आप बहुत अच्छी चीज़ें हमको दिखाते हैं. हम बड़ी मेहरबानी तारीफ करने की. लेकिन ये बताएं आज कैसे लग रहा है? आज बहुत अच्छा लग रहा है ये इवेंट. ये आज बड़ी सिदरा है, डॉन फ्रीज है, मालपुरी वाला आया है और बहुत सारी चीज़ें आई है. गारो रिपब्लिक आया तो अभी तक हमने बड़ी खाया. रखे नहीं रोजे पूरे रखे हैं माशाल्लाह से. मस्जिद में जाते हैं? मस्जिद में जाते हैं और रोजे स्कूल में जा रहे हैं माशाल्लाह से. बहुत सारे रोजे. आप उन बच्चों में से हो जिनको मैं इसलिए लाइक करता हूँ आप अपनी जबान में भी बात करते हैं. हाँ चलो सही है जी. और ह्यूस्टन अच्छा है? हाँ बहुत ह्यूस्टन अच्छा है. और कौन सा शहर अच्छा लगता है? पाकिस्तान. पाकिस्तान में कौन सा? कराची. हाँ कराची. तो सही. आपको कराची अच्छा है ह्यूस्टन? दोनों अच्छे हैं. चले भाई नाम बता दें. रोहन. और आपका? मरियम. और आपका? मूसा. मूसा. हाँ. मूसा कॉलोनी आपकी है? हाँ. अरे आप ओनर हो? हाँ. अरे मुझे भी तो वहाँ कोई दुकान दुकान दे दो. मूसा कॉलोनी में दे दो ना मेरे को. दे देंगे ना? चले ये मूसा साहब है छोटे. हम सब अपनी जिंदगी से कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं तो आपके साथ ऐसी एक वीडियो सी बनाते हैं और थोड़ी सी पिक्चर्स लेते हैं. कहाँ से? हम सफरी जी. कौन सा मैगजीन? सफरी जिंदगी. सफरी जिंदगी. वैसे मुझसे जो है ना अब तक कोई पिशावर का बंदा नहीं मिला है और फर्स्ट टाइम दो भाई पिशावर के मिले हैं. इनसे मैं आपको मिलवाता हूँ और ये भी कॉन्टेंट अपना बनाते हैं. तो अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है तलहा. और है अवैस. हम दोनों सफर जिंदगी से हैं, कंटेंट क्रिएटर्स यहाँ पे ह्यूस्टन में. तो यहाँ पे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा है हमें. यहाँ पे कंटेंट हम लोग कवर आपका वीडियोस देखते रहते हैं हम लोग. वो तो है लेकिन आप पिशावर से. बड़ी बात है मुझे पिशावर. हाँ पिशावर से. वाकई में यहाँ पर जो है ना जो लोग भी हैं लाहौर या कराची होता है लेकिन पिशावर से हम लोग हैं. तो कब आए थे यहाँ? बॉर्न एंड रेज पिशावर. फिर यहाँ पर हम ऑलमोस्ट 3 ईयर्स 3 साल पहले हम आए थे. किस पर पढ़ने आए थे? रहने? नहीं रहने यहाँ पर. रहने मैंने तो मेडिसिन किया हुआ है. मैं MBBS किया पाकिस्तान में. तो यहाँ पे आके मुझे स्किन स्पेशलाइजेशन का शौक था तो एस्थेटिशियन बनने का. तो उसी के लिए स्पेशलाइजेशन के लिए पिशावर जाना होता है. अभी तक तो नहीं हुआ तो इंशाल्लाह अनकरीब. मैं पिशावर में रह चुका हूँ. अच्छा पिशावर में रह चुके. मैं पिशावर में मेरा पोस्टिंग थी मेरी. अच्छा 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 अच्छा. मैं वहाँ असेंबली में कवर कर. तो फिर खाना तो आपने खाया होगा जरूर? बहुत अच्छा. कैसा लगा? तो सिर्फ खाना पीना ही है. अमेजिंग है. जर्सी टिक्का हो गया आपका, चपली कबाब. अच्छा लगा. देखें लाल कंदर की धमाल जो है ना चलाई जा रही है और इसके साथ सेवन का नाम आ रहा है तो सेवन सेवन हो गया है यहाँ. लिमोजिन आ गई है और आप देखें अभी कि हाईवे पे वैसे गाड़ी खड़ी करने की मना है लेकिन अब आप देखें इस प्रोग्राम की वजह से गाड़ियाँ हाईवे पे लग चुकी हैं
और आगे तक ये कतारें आप देख रहे हो गाड़ियों की, क्योंकि पार्किंग कम हो गई है, तो इस वजह से कुछ लोग दूसरी साइड पे गाड़ियां खड़ी करके ये पैदल सड़क क्रॉस कर रहे हैं, जो बहुत ख़तरनाक है। आप देख रहे हो ये आ रहे हैं भाई, ये ख़तरनाक तरीका है। तो इस वक्त पूरा ये जाम हो चुका है और आगे मैं आपको थोड़ा चल के दिखाता हूँ। चलें, अब देखें ना गाड़ियों की कतार, और ये गाड़ियाँ इस तरफ खड़ी हैं और यहाँ भी गाड़ियाँ लगाई, तो पुलिस ने बड़ी भाई रियायत कर दी है, वरना हाईवे पे गाड़ी खड़ी करने देते नहीं हैं, और आगे तक गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी का मेला है, तो जाहिर है आज इसमें आ रहे हैं फैमिलीज। अब आपको कुछ मैं यहाँ के सीन दिखाता हूँ कि किस तरह लोग इंजॉय कर रहे हैं।